नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई प्रखंड क्षेत्र में पदाधिकारी की उदासीनता, रवि फसल सरसों बीज का वितरण नहीं हो सका। लेकिन अभी तक कृषि विभाग द्वारा प्राप्त रवि फसल हेतु सरसों बीज वितरण नहीं हो पाया। किसानों के चेहरों पर निराशा छाई है। महंगे दर पर किसान बीज खरीदने को मजबूर है। किसान सरकारी बीज लेने के लिए क्लस्टर का चक्कर काट रहे हैं। दरअसल बात यह है कि किसान लोगों का कहना है कि सात समय से सरकारी बीज नहीं मिलने पर और मांगे दर पर ब्याज को खरीदना पड़ता है। किसान व महिला समूह की कौशल्या देवी, राधा देवी, लपतिया देवी, पार्वती देवी, ललिता देवी, पार्वती देवी, सोनिया देवी व सुनैना देवी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए अबला नहीं नारी, नारी की अब सुनो पुकार, नहीं सहेंगे अत्याचार, हिंसा नहीं अधिकार चाहिए, अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी सहित कई नारे भी लगाए। महिलाओं ने कहा कि विभाग की लापरवाही और पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण समय पर बीज नहीं मिल पाता। किसानों के अनुसार सरसों बीज कई सप्ताह पहले ही क्लस्टर पर आकर पड़ा है, उसके बावजूद भी किसानों के बीज का वितरण नहीं किया जा रहा। और बताया गया कि कृषि विभाग की पंचायत कर्मियों के द्वारा अपनी व्यक्तियों के बीच कुछ बीज तो बांट दिया गया, लेकिन शेष पड़े बीजों का वितरण नहीं किया जा रहा। बीज वितरण को लेकर डंडई प्रभारी कृषि पदाधिकारी रमेश सिंह ने बताया कि 11,000 किलो सरसों बीज आकर क्लस्टर में पड़ा है। किसानों का रजिस्ट्रेशन करके उक्त बीज का वितरण किया जा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा उराव ने बताया कि किसानों का रजिस्ट्रेशन कर ओटीपी के माध्यम से जल्द ही वितरण किया जाएगा। तो मैं डंडई ब्लॉक में लाइवलीहुड सीआरपी पे पद पे कार्यरत हूँ। यहाँ के हमारी सभी महिलाएं किसान दीदी हैं जो कि यहाँ पे बीज वितरण के लिए उपस्थित हुई थी। यहाँ ब्लॉक के माध्यम से बीज वितरण किया जा रहा था, लेकिन हमारे समूह की दीदी के एक भी किसान का बीज वितरण नहीं हुआ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे आपके किसान दीदी जो हैं एक भी ब्लॉक चैन से जुड़ी हुई नहीं है, जिस कारण से आपको बीज नहीं दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि महिला समूह की जितनी भी दीदी हैं, हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट जितनी भी है, हमारी समाज बोलती है कि नारी को एक सम्मान देंगे, उनको जागरूकता किया जाएगा, उनको अधिकार दिया जाएगा, लेकिन एक तरफ से कहा जाता है, दूसरी तरफ से शोषण किया जाता है। तो हम जो है जेंडर प्रतिक्रिया को लेकर के महिला को एक सम्मान चाहते हैं, एक जीने का अधिकार चाहते हैं। इसी के बीच में हम जो है महिला समूह के द्वारा एक अपना रैली के रूप में निकाले हुए हैं कि हमें जो है समाज में, हमें घर में, हमारे समाज में, हमारे ब्लॉक में हमें किस प्रकार से अधिकार मिलेगा। किसी के पीछे, दूर के पीछे, किसी के पैर के पीछे लगने से हमको अधिकार नहीं मिल जाएगा, किसी के नीचे गिड़गिड़ाने से अधिकार नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें हक के लिए लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, तब हमारे जाके अधिकार मिलती है। भारत भी एक हमारा एक गुलाम देश था। भारत को जो है 16 वर्ष 27 वर्षों के लिए जंजीरों में जकड़ा गया था, लेकिन हमारे भारतवासी ने अपने वीर शहीदों को सपूत करके, अपनी जान को निछावर करके भारत को आज़ाद कराया। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि भारत के महिलाओं को हमारी अधिकार ऐसे नहीं मिलेगी, हमें भी एक भैया के साथ युद्ध को लड़ना पड़ेगा। चाहे भैया अगर हमारे चाहते हैं कि अपने पहियों को मिला कर चलना चाहते हैं, तो हम उनके साथ देना चाहते हैं। इसके लिए हम यही कह करके अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महिला आजीविका समूह। अच्छा, आप ये आज बताइए, अभी जो आपके साथ ये जो सरसों का बीज का वितरण करने की बात जो आई, और कुछ महिला समूह के लोगों द्वारा सुनने में आ रहा है कि बोरी को ले जाया जा रहा है, इस संबंध में गलत इन्फॉर्मेशन है। जो भी कुछ कहा जा रहा है, दीदी लोग पर इल्जाम लगाया जा रहा है भैया के थ्रू। बोरी जो बाहर निकला भैया के वजह, भैया लोग निकाला है। किसके द्वारा बोरी को बाहर निकाला गया है? भैया वहाँ कृषि भी पदाधिकारी बैठे हुए थे, ओटीपी गिरा रहे थे, लेकिन ओटीपी को कॉपी को रजिस्टर को बंद कर दिए, दीदी को वहीं पे छोड़ दिए, अपने अंदर चले गए। इस वजह से दीदी लोग नहीं, भैया लोग बोरी को बाहर किया। दीदी लोग तो हमारे अंडर में ही है, एक भी दीदी अभी कहीं कुछ नहीं किए। उनको चाहिए बीज, चाहिए हमारे जेएसएलपीएस के द्वारा अगर दी जाती है, अगर हमारे सीईओ सर का आवेदन है कि जेएसएलपीएस के महिला को भी अधिकार दिया जाए, उनको भी समाज के द्वारा उनको जीने का अधिकार दिया जाए, उनको भी अनुदानित बीज दिया जाए, तो यहाँ पे हमारे किसान को एक भी बीज क्यों नहीं मिल रहा है? हमको ये कहने का मतलब, हमारे किसान हमसे आक्रोशित है कि दीदी आप पंजीकरण करवाती हैं, आप पीजी बनवाती हैं, 1,000 रुपया सदस्यता स्वाति अंश पूंजी जमा करवाती हैं हमको डेवलप करने के लिए, लेकिन हमें एक जरा भी कुछ बेनिफिट नहीं होती है, मुफ्त की चीज़ें क्यों? तो हमें फील्ड में बहुत काम करने के लिए दिक्कत है। तो हम अपने पदाधिकारी से रिक्वेस्ट किया, हम अपने दीदी लोग को बुलाए नहीं है, पदाधिकारी यहाँ ब्लॉक में जो बीज वितरण हो रहा है तो उसके समक्ष दीदी लोग बीज वितरण लेने आई हैं, लेकिन बीज नहीं दिया जा रहा है। अब आज से नहीं, 2 महीना पहले से इसी सिलसिला को चल रहा है। ग्रामीणों ने किया प्रखंड कार्यालय का घेराव, जान जोखिम में डालकर नहीं जाएंगे आंगनबाड़ी पढ़ने बच्चे। डंडई प्रखंड क्षेत्र के बैला जखड़ा गांव के गयाडीही टोला में आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय में जमकर विरोध किया। आंगनबाड़ी भवन निर्माण नदी तट पर उपयुक्त स्थल नहीं होने से ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। मामले को लेकर ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा उराव को आवेदन देकर स्थल परिवर्तन कराने की मांग की। उक्त टोले के ग्रामीण गुलबास अंसारी,
रहमतुल्ला अंसारी, इजहार अंसारी, सजदा बीबी, नजमुन बीबी, सलमा बीबी, नसीमा बीबी, सगीरा बीबी, परवीन खातून, सैरून बीबी, इरफान अंसारी, असद राजा सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया जिस जगह पर आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराया जा रहा है वह बिल्कुल नदी के तट पर है, जिससे हमेशा बच्चों को नदी के किनारे का भय बना रहेगा। वहीं बताया कि बरसात के दिनों में नदी का पानी का बहाव तेज हो जाता है, जिस कारण नदी पार करके बच्चों को जाने में मुसीबत खड़ी हो जाएगी तथा कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। लोगों ने कहा कि संवेदक की मनमानी पर जबरन आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त नदी में गहराई होने के कारण कई बार बच्चे नदी में डूब गए हैं। घटना की पुनरावृत्ति ना हो, जिस कारण हम लोग टोले के ग्रामीण आंगनबाड़ी भवन निर्माण का स्थल बदलवाने की मांग लगातार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बेला झगड़ा टोला गयाडीह में अन्य जगह ऐसे हैं जो सरकारी गैर मजरूआ जमीन है। नदी के तट से अन्य जगहों पर अगर आंगनबाड़ी आवेदक के द्वारा बनाया जाता है तो बच्चे लोगों को भेजने में घटना भय व्याप्त हो रही है, जिसको लेकर मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा उराव तथा अंचलाधिकारी चोनाराम हेब्रम को आवेदन देकर लिखित शिकायत की गई। पूछे जाने पर अंचलाधिकारी चोनाराम हेब्रम ने बताया कि मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को गैर मजरूआ सरकारी भूमि प्लॉट 435 तथा प्लॉट 487 के बारे में चिन्हित कर बताया था। प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा उराव ने बताया कि चिन्हित किए गए जमीन 435 प्लॉट फिलहाल बनाया जा रहा है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि 435 प्लॉट नदी के तट पर है, वहां कभी भी हादसा हो सकता है। 435 प्लॉट में आंगनबाड़ी भवन निर्माण का कार्य कराने की मांग की है। ग्रामीण इजहार अंसारी पिता सत्तार अंसारी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र तक जाने के लिए जो भी रास्ते की जमीन जाने के लिए होगी उसे मैं स्वेच्छा से देने के लिए तैयार हूं, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल हो सके। पिछले 80 सालों से वरुणा पंप्स आप तक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पहुंचाने का प्रेशर लेते आए हैं। जोश से पानी पहुंचाने का और उनके दिलों को जीतने का प्रेशर हम लेते हैं। वरुणा पंप्स, हर बूंद में जोश। अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंद मार्ग, स्कूल की बगल में, गढ़वा।